नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत वन पंचायत में हरेला महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्राधिकारी ताड़ीखेत दीपक कुमार तिवारी के नेतृत्व में स्कूली बच्चों और शिक्षकों समेत जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों के मिलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर बंगोड़ा में पदम, जामुन, आंवला, तेज पत्ता, तून सहित अन्य प्रजातियों के फलदार छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी ताड़ीखेत दीपक कुमार तिवारी ने कहा कि ताड़ीखेत वन पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर बंगोड़ा में स्कूली बच्चों और शिक्षकों समेत क्षेत्र जनप्रतिनिधि के अलावा स्थानीय ग्रामीणों के मिलकर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई स्थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, आगामी कुछ दिनों तक कार्यक्रम जारी रहेगा। वहीं पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत कम से कम एक पौधा जरूर रोपित करना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगोड़ा में ताड़ीखेत वन क्षेत्र अंतर्गत हमारे द्वारा हरेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम या कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमें विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग प्राप्त हुआ। हरेला कार्यक्रम तथा एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत हमारे द्वारा पिछले माह भी और इस माह में भी कई स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे द्वारा विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया गया और आगामी कुछ दिनों तक यह कार्यक्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा, जिसमें हमें स्थानीय ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विद्यालयों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग से द्वारा हम ये कार्यक्रम को बृहद स्तर पर मनाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम भूमि संरक्षण विभाग वन क्षेत्र ताड़ीखेत के माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंगोड़ा में यहाँ पर लगाया गया है। पूरे बच्चों को इनके स्तर से जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम मैं तो रानीखेत भूमि संरक्षण विभाग रानीखेत का आभार व्यक्त करता हूं, वन क्षेत्र ताड़ीखेत का और साथ में यहां के विद्यालय परिवार का, जिनके माध्यम से यहां पर बच्चों को एक जागरूकता अभियान के अंदर शामिल किया गया है और इसमें ग्रामीणों को भी शामिल किया गया है। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारी आपसे सभी लोगों से एक गुजारिश भी है कि उस पेड़ को वहीं पर लगाएं जहां पर पेड़ आपका सुरक्षित रह सके। ये थी हमारे संवाददाता गोविंद रावत की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।